अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अली अहमद है। मैं DHA फेज़ 7 को प्रॉपर डील करता हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा DHA फेज़ 7 की लोकेशन के हवाले से, उसकी अप्रोचेस के हवाले से, और DHA फेज़ 7 का मैं आपसे कंपैरिजन करूँगा 9 प्रिज्म के साथ और DHA फेज़ 6 के साथ, और इनकी प्राइसेस का एनालिसिस करूँगा और बताऊँगा इनमें से तीनों में से DHA फेज़ 6, 7, 9 में किस में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। DHA फेज़ 7 की सबसे पहले हम लोकेशन के वाले से बात करते हैं। तो DHA फेज़ 7 जो से DHA फेज़ 6 के बिल्कुल साथ लगता है, और इसकी जो सी अप्रोचेज़ हैं वो बरकी रोड से भी इसको अप्रोच लगती है, जो ब्लॉक बी में एंटर हो जाते हैं। DHA फेज़ 6 है जो सा मेन बॉलवर्ड है, वहाँ से हम जाते हुए फेज़ 6 के एन ब्लॉक से गुजरते हुए आर ब्लॉक में हम एंटर हो जाते हैं। DHA फेज़ 7 जो सा है उसकी सबसे अच्छी जो सी चीज़ है, जिसमें इसके साथ बिल्कुल W ब्लॉक के साथ, Z1 के साथ आपको इसका वो लगता है, DHA गोल्फ कोर्स और DHA राया का कमर्शियल लगता है। और जो सा यही जो सा DHA फेज़ 7 का आर ब्लॉक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फेज़ 7 की सबसे ज़्यादा प्राइसेस उसी ही ब्लॉक में सबसे ज़्यादा हाई हैं। अब मैं आपसे कंपैरिजन करता हूँ इनकी प्राइसेस के बारे से। DHA फेज़ 6 में जो सा इस टाइम प्राइस एक कनाल के प्लॉट की, वो मिनिमम प्राइस है 3 करोड़ पे, और मैक्सिमम प्राइस उसकी 6 करोड़ पे है, जबकि फेज़ 7 में प्राइस मैक्सिमम प्राइस 4 करोड़ पे है। तो अगर मैक्सिमम प्राइसेस पे वो हम देखा जाए तो 4 करोड़ फेज़ 7 में है, फेज़ 6 में 6 करोड़ है, तो 2 करोड़ का गैप आता है। और यही इसमें यही वजह है कि DHA फेज़ 7 में बहुत पोटेंशियल है मार्केट में, कि उसको गैप को, फेज़ 6 के गैप को फिल करने के लिए फेज़ 7 में अभी भी पोटेंशियल है इन्वेस्टमेंट का। DHA फेज़ 7 और फेज़ 6 को एक 150 फुट जोन सा है वो रोड डिवाइड करता है, DHA फेज़ 6 और 7 को। DHA फेज़ 6 का जो सा ब्लॉक है, एल ब्लॉक है, के ब्लॉक है, वहाँ पे प्राइसेस इस टाइम चल रही हैं उन्हीं पट्टियों में मेन रोड पे, वो 4.5 करोड़ और पौने 5 करोड़ में। जबकि दूसरी साइड पे हम फेज़ 7 का जो सा आर ब्लॉक है मेन रोड पे, जो उनसे उनके प्लॉट्स हैं वहाँ पे मैक्सिमम प्राइसेस 4 करोड़ चल रही हैं। तो रोड के इस तरफ अगर आप चले जाएँ तो फेज़ 6 में, तो वहाँ पे जो सी प्राइस है वो 4.5 करोड़ है, और रोड के इस तरफ आ जाएँ तो यही फेज़ 7 में प्राइसेस आपको 4 करोड़ में मैक्सिमम प्राइसेस में प्लॉट, अच्छी लोकेशन का प्लॉट मिल जाता है फेज़ 7 में। तो मैं समझता हूँ इस टाइम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है फेज़ 7 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि इसमें अभी बहुत ज़्यादा अभी पोटेंशियल है मार्केट में। और दूसरी जो सा अब हम इसको कंपेरिजन करते हैं 9 प्रिज्म के साथ। 9 प्रिज्म में मिनिमम प्राइसेस 1 कनाल की जो सी है वो 180 करोड़ है, ठीक है, और जो सी मैक्सिमम प्राइसेस है वो 3.25 करोड़ है। तो ये नॉन पोजेशन प्लॉट्स हैं, और अभी इसको 9 प्रिज्म को डेवलप होने में काफ़ी अभी टाइम बाकी है, जैसे इसको कम से कम 8 से 10 साल अभी इसमें रिक्वायर है 9 प्रिज्म को। और जबकि फेज़ 7 बिल्कुल डेवलप हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे घर बन चुके हैं, लोग वहाँ पे एंड यूज़र्स आ रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं, वहाँ पे घर बनाना स्टार्ट हो गए हैं, वहाँ पे रहायश रख रहे हैं। तो इस टाइम बेस्ट अपॉर्चुनिटी है DHA फेज़ 7 में इन्वेस्टमेंट करने की। अगर आप देखें जाए तो मिनिमम प्राइस जो सी है 2 करोड़ में आपको अच्छी लोकेशन का पोजेशन प्लॉट फेज़ 7 में मिल जाता है, और जहाँ इसकी नस्बत आप अगर 9 प्रिज्म में देखें तो वहाँ पे आपको नॉन पोजेशन प्लॉट 3.25 करोड़ का मिल रहा है, जबकि यहाँ भी आपको पोजेशन प्लॉट अच्छी लोकेशन का 3, 3.5 करोड़ में अच्छी लोकेशन का प्लॉट आपको पोजेशन मिल रहा है DHA फेज़ 7 में। और दूसरा इसमें जो सी मिनिमम प्राइस है 5 मरला की, वो 1.10 करोड़ से लेकर 1.25 करोड़ तक है, अच्छी लोकेशन। और दूसरा जो 10 मरला है वो 1 करोड़ मिनिमम प्राइसेस, 10 मरला की 1.40 करोड़ से स्टार्ट होकर 1.80 करोड़ में बेहतरीन लोकेशन का प्लॉट DHA फेज़ 7 में मिल रहा है। 1 से 2 महीने में ओवरऑल DHA की मार्केट में करेक्शंस आई हैं, 9 प्रिज्म में 10 से 15 लाख की करेक्शंस आई हैं, और DHA कोयटा मुल्तान भावलपुर ओवरऑल जो पर DHA पेशावर है सब में जो उनकी मार्केट है उसमें 15 से 20 लाख की प्राइसेस की भी कमी आई है, जबकि जो उनकी DHA फेज़ 7 की मार्केट है वो अभी तक स्टेबल है, उसमें कोई किसी भी किस्म की करेक्शन नहीं आई, प्राइसेस उसके नीचे नहीं गई। और जहाँ पे उसकी फाइल्स का रेट और उसके प्लॉट्स का रेट जहाँ पे 2 महीने पहले था वहीं पे आज मार्केट वहीं पे रुकी हुई है, और बल्कि 1 से 2 वीक्स में 2 वीक्स में इसमें 5 से 10 लाख का जंप आया है प्राइसेस में। तो इसलिए मैं आपको समझता हूँ कि अभी भी DHA फेज़ 7 में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है मार्केट में,
ये एक तरफ आप देखते हैं डीएचए फेज़ सिक्स को, जहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई हैं, एक तरफ हम देखते हैं डीएचए फेज़ सेवन को, तो अभी भी उसमें करोड़ 1.5 करोड़ का गैप है जो उसने फिल करना है। तो बेस्ट टाइम है इस टाइम डीएचए फेज़ सेवन में इन्वेस्टमेंट करने का, आप आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए। गाइज उम्मीद है कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा डीएचए फेज़ सेवन के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डीएचए फेज़ सेवन के 5 मरला की फाइल्स के हवाले से और बताऊंगा कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना क्यों ज़रूरी है। डीएचए का कमर्शियल, डीएचए फेज़ सेवन का जो सा राया का कमर्शियल 7 लग रहा है वहाँ पर बताऊँगा। ब्लॉक वाइज आपको वीडियोज़ में आपको डीएचए फेज़ सेवन के बारे में रिव्यूज़ दूंगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी हो, परचेज़ करनी हो, या डीएचए फेज़ सेवन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो, आप मेरे नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।